श्री हरि की कृपा पाने का सबसे आसान जरिया है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अब सवाल यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करें और किन परिस्थितियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे उत्तम श्री हरि का नाम। चमत्कारी है विष्णु सहस्र नाम। लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु की अद्भुत शक्तियों का समावेश है विष्णु सहस्र नाम में। माना जाता है कि विष्णु सहस्र नाम का विधि पूर्वक पाठ करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं शीघ्रता से पूरी हो जाती हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि श्रीहरि की कृपा शीघ्र पाने के लिए विष्णु सहस्र नाम सबसे कारगर और सटीक उपाय है। यह मंत्र अपने आप में अचूक है, यह स्त्रोत अपने आप में अचूक है, बेहद लाभकारी है, ऐश्वर्य कारक है, सुखदायक है, यश में वृद्धि कारक है, सामान्यता को विशेषता में बदलने की क्षमता वाला है, सफलता का द्योतक है, आरोग्यता प्रदान करने वाला है, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ व्यक्ति श्री धाम को, परम धाम को, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ कब करना चाहिए ये जानना भी बेहद जरूरी है, तो चलिए आपको बताते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में हो या अत्यधिक कमजोर हो, जब कुंडली में बृहस्पति 6वें, 8वें या 12वें भाव से भ्रमण कर रहा हो, जब कुंडली में बृहस्पति के कारण पेट या लिवर की समस्या हो, जब संतान उत्पत्ति में या वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही हो, देवताओं के गुरु बृहस्पति से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकता है विष्णु सहस्त्र नाम। ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विधि पूर्वक करना उपयोगी होता है। कि सूर्योदय पूर्व जगे, स्नान आदि से निवृत्त हो जाए और व्रत का संकल्प लें। आप पूजा स्थल पर बैठ जाएं, नारायण को स्नान कराएं, नारायण का पूजन करें, नारायण को भोग लगा दें। उसके बाद धूप दीप दिखा करके और जो भी मौसमी फल है उसको पंजीरी बना लें, तुलसी पत्र उसमें डाल दें, भगवान नारायण का स्मरण करें और मन से कहें कि हे भगवान नारायण, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हम आपके समक्ष इस मंत्र का जप करेंगे और आपकी कृपा प्राप्ति के लिए यह मंत्र स्त्रोत का पाठ हम करने जा रहे हैं और आप ही इसको पूर्ण करेंगे। तो अब आपको बताते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की सबसे उत्तम विधि क्या है। रोज सुबह इसका पाठ करें और पाठ के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले वस्त्र धारण करें, चने और गुड़ या पीली मिठाई का भोग लगाएं। बृहस्पतिवार शाम को नमक का सेवन ना करें। जितने भी दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, सात्विक वैष्णव भोजन ग्रहण करें। अगर संस्कृत भाषा में पाठ कठिन हो तो हिंदी में भी भगवान के नामों का जाप किया जा सकता है। विष्णु सहस्र नाम श्री हरि के भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है। ज्योतिषी मानते हैं कि विष्णु सहस्र नाम का पाठ नियम, संयम और विधि पूर्वक करने वाले भक्त की मुश्किलों को पल भर में हर लेते हैं भगवान श्री हरि। तो हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के महा उपाय। इस दिन पीले वस्त्र जरूर पहने। पीले वस्त्र पहन करके पाठ करने से शुभता में वृद्धि होती है। विधिवत पूजा करके पीली मिठाई अर्पित करें, पीला पुष्प अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें, मिष्ठान अर्पित करें, केले का भोग लगाएं और पंजीरी बनाए हैं उसका भी भोग लगा दें। पाठ करते वक्त ध्यान ही रखना है कि भगवान नारायण का ही स्मरण करना है। उसके बाद विष्णु सहस्र नाम स्त्रोत पुस्तिका सम्मुख रखना है और उसका भी पूजन करिए। भगवान विष्णु का आह्वान करें, भगवान विष्णु को स्नान कराएं। पहले जल से स्नान, फिर पंचामृत से और फिर जल से स्नान कराएं। भगवान को वस्त्र पहनाएं,
फिर आभूषण और जनेऊ। फूलों की माला पहनाए, सुगंधित इत्र अर्पित करें, तिलक करें। तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग करें, धूप दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल विशेष प्रिय है, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु के पूजन में चावल का प्रयोग ना करें। घी या तेल का दीपक जलाएं और आरती करें, फिर परिक्रमा करें और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। तो अब देर किस बात की है, नारायण की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से करें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। फिर देखिए एक अमोघ कवच की तरह कैसे आपकी रक्षा करते हैं नारायण। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपको बताएंगे नारायण की पूजा के कुछ खास नियम और मंत्र।